वालेकुम, खुश आमदीद आपका सीक्रेट इनो चैनल पे। आई होप आप सब ठीक होंगे। लेट्स सी माय इंट्रो। टन टन आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे फ्लावर को आप ड्राई कर सकते हैं घर बैठे हुए। हमने रख दिया फ्लावर को पेज के ऊपर और पेज को कर दिया हमने बंद और उसके ऊपर दे दी थोड़ी सी हीट। आपने हीट ऐसे नहीं देनी कि डायरेक्ट ही स्टोव के ऊपर रख दी कि अच्छे से हीट दे दी जाए, फिर तो आपकी दही दे जाएगी, अच्छे से हीट दी जाएगी फिर आपकी, अल्लाह हेल्प करेगा। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमने देख लिया फ्लावर कैसे ड्राई कर सकते हैं और अब हम चलते हैं रेजिन की तरफ। रेजिन हमारा भाई नहीं निकल रहा, जल्दी से निकल जाओ क्योंकि वो एंड तक पहुँच चुका है, वो निकलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। इससे पहले मैं आपको बता चलूँ कि मैंने इस वजह से कैप के अंदर रेजिन डाला क्योंकि मेरी मेजरमेंट मशीन जो है वो ख़राब हो चुकी है। अक्सर जब आपको किसी काम की जल्दी होती है तो अक्सर आपकी कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती है, कोई चीज़ नहीं मिलती। ये सबके साथ ही होता है, कुछ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी मेजरमेंट मशीन जो है वो ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से मेरे जो है रेजिन वो मेयर नहीं किया गया और मैंने कैप की मदद से ही उसको कप में डाल दिया। अब मैं इसको कप में डाल दिया है रेजिन को और उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कैप को अच्छे से साफ कर दीजिएगा ताकि आपको कोई रेजिन ना रह जाए। साफ़ करने के बाद मैं उसको डाल दिया कप में और कप में डालने के बाद मैं उसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। 3 मिनट तक आपने उसको मिक्स करते रहना ताकि आपके बबल्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए और आपकी जो आपने लिक्विड डाला था वो भी आपका अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने इतना ज़ोर से मिक्स नहीं करना कि आपका बाद में हाथ दर्द करो। आप अपनी मामा को बोलें कि मामा मुझे मेरा हाथ धुआ दें या कुछ कर दे, मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसे नहीं करना, आपने आराम से तसल्ली से काम करना है। ये हमारे पास कुछ आ गए हैं फ्लावर्स ड्राई हुए हुए मार्केट से और कुछ आ गए हमने जो अभी ड्राई किए हैं। मैंने आपको ड्राई करना इसलिए बताया ताकि आपके पास भी कोई अर्जेंटली ऑर्डर आ जाता है, आपके फ्लावर जो ड्राई नहीं हुए हुए तो आप उसको कैसे ड्राई करके अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। मैंने अब डाल दिया रेजिन को मोल्ड के अंदर, उसको अच्छे से साइड पे लेकर जा रही हूँ ताकि वो अच्छे से चला जाए और मैं अब यूज़ करूँगी लाइटर के। मैंने आप सबको बोला था कि लाइटर ज़रूर यूज़ कीजिएगा ताकि आपके जो बबल्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और जहाँ पे रेजिन नहीं किया होता वहाँ पर भी रेजिन चला जाता है। अब मैंने भेजे सारे की रेजिन, ये देखिए रेजिन ये जो है लाइटर की आग कितनी तेज़ थी। आप भी ध्यान से यूज़ कीजिएगा, अल्लाह हेल्प करेगा, इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ और आपका मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आपके साथ भी मेरा फर्स्ट है और आपका भी मेरा फर्स्ट है। तो लेट्स सी माय व्लॉग। आप मेरा व्लॉग देखें, आप भी मेरे एंजॉय करें और आप भी सब्सक्राइब करें और ताकि मैं आपके लिए आने वाली वीडियोस भी अच्छी अच्छी लेकर आऊँ। अब मैंने डाल दी है बीच में रेजिन को, हमने सेट कर फ्लावर्स जो हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमने ऊपर डाल दिया है रेजिन। आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है, मैंने जिस तरह मुझे अच्छा लगा था मैंने उस तरह उसको सेट करके उसके ऊपर रेजिन डाल दिया। आप उसको करेंगे सुखाएंगे। अब इसको सुखाने के लिए रख दिया है, ये सूख गया हमारा जो हमने बनाया था रेजिन का फ्लावर के साथ। ये हमने बुक पे रखने वाला बनाया ताकि हमारी बुक जो है वो बांध हो जाती है, अक्सर तो हम उसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो हम यही रख दिया करेंगे, प्यारा लगेगा, देखने वाले को भी प्यारा लगेगा और हमें भी प्यारा लगेगा। हर चीज़ पे हमने उसको साइड पे हमने इसलिए फ्लावर लगाए थे ताकि साइड से देखने से भी प्यार लगे और उसका शाइनिंग देखिए कितनी ज़्यादा आ रही है। आपने जब आपने बनाना तो उसको अपने फिंगर्स नहीं आपने उसके ऊपर लगाने ताकि आपके फिंगरप्रिंट ऊपर ना लग जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके, जरूर दबा दीजिएगा। चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टाटा।